हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर है, आप अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर हैं, जब तक उसके लिए पहला कदम ना उठाया जाए। कोई भी मंजिल हासिल करने के लिए आपको उसकी तरफ कदम उठाने पड़ेंगे, है ना। उसको हासिल करने के लिए आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा, तभी आप उस मंजिल को पा सकते हैं। तो आप अपनी किसी भी मंजिल आप अपनी किसी भी मंजिल से आप जब तक दूर हैं, जब तक उसके लिए पहला कदम ना उठाया जाए। अगर आप कदम उस मंजिल के लिए नहीं उठाओगे तो सक्सेस कैसे मिलेगी। इसलिए आप जब भी कोई भी मंजिल अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसकी तरफ पहला कदम उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और आज का टॉपिक है हाइपोमैग्नीसीमिया। तो पिछली क्लास में, एमएसएन की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो ये चारों पढ़ चुके हैं अपन, छह पढ़ चुके हैं। अब है हाइपोमैग्नीसीमिया। मैग्नीशियम का लेवल अगर कम हो जाता है तो उसे हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। मैग्नीशियम का अगर लेवल कम हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। ठीक है। हाइपो किसके लिए यूज होता है, कम के लिए यूज होता है। जब कोई बॉडी के अंदर कुछ चीज कम हो जाए तो वो हाइपो या हाइपर के रूप में शो कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम का लेवल अगर ब्लड में कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। मैग्नीशियम का लेवल अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं। तो नॉर्मल रिजल्ट ऑफ द जनरली इन रेंज ऑफ कितना रहता है, नॉर्मल मैग्नीशियम का लेवल, जो मैग्नीशियम का लेवल रहता है नॉर्मल, मैग्नीशियम का जो नॉर्मल रहता है वो नॉर्मल रहता है 1.8 से 2.6, मतलब 1.8 से 2.6 mgdl रहता है। ये एक अडल्ट में रहता है, जो अडल्ट व्यक्ति है उसके अंदर 1.8 से 2.6 mgdl नॉर्मल क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है अडल्ट के अंदर, एक अडल्ट व्यक्ति के अंदर। लेकिन बच्चे के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर कितना रहता है, 1.7 से 2.1 mgdl, 1.7 से 2.1 mgdl तक बच्चे के अंदर नॉर्मल रहता है। बच्चे के अंदर अगर नॉर्मल रेंज मानी जाए तो 1.7 से 2.1 mgdl तक बच्चों में नॉर्मल रहता है। अगर इससे कम हो जाए, अगर लेवल इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए तो वो कहलाता है हाइपोमैग्नीसीमिया। अगर इससे लेवल ज़्यादा हो जाए, इससे कम हो जाए तो वो तो कहलाता है हाइपोमैग्नीसीमिया। अगर इससे लेवल कम ज़्यादा हो जाए, ये तो गया था कम, और ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाता है हाइपरमैग्नीसीमिया। तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया कहलाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई। जो मैग्नीसीमिया इज द कंडीशन ऑफ लो मैग्नीशियम, देखो मैंने बताया था मैग्नीशियम क्या हो जाता है, लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है, कम। मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन 1.6 mgdl से कम हो जाता है। यहाँ पे आप 1.8 भी लिख सकते हो तो नॉर्मल माना जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे कुछ बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे दिया रहता है। तो 1.646 से कम हो जाए, 1.46 से कम हो जाए तो क्या बोलते हैं उसे, हाइपोमैग्नीसीमिया बोलते हैं। अगर 1.8 से भी कम हो जाए तो उसको भी बोल सकते हैं, वैसे 1.8 से कम हो जाए इसको आप 1.8 भी लिख सकते हो, बेस्ट रहेगा। 1.8 से अगर कम हो जाए तो क्या बोल सकते हैं, हाइपोमैग्नीसीमिया बोल सकते हैं। 1.8 mgdl से कम हो जाए तो उसे हाइपोमैग्नीसीमिया बोल सकते हैं। उसके बाद में कारण क्या हो सकते हैं, इसके कम होने के कारण क्या हो सकते हैं, तो कोज क्या क्या है, कोज मतलब है कारण, क्या कारण हो सकते हैं, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो हाइपोमैग्नीसीमिया इज कोज बाय द एक्सेसिव लॉस फ्रॉम द जीआईटी। क्या हो जाए अगर हाइपोमैग्नीसीमिया कम हो सकता है, अगर एक्सेसिव लॉस हो जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए, कहाँ से, जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जीआईटी की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। वाया कैसे हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जीआईटी से लॉस कैसे हो सकता है मैग्नीशियम का,
मैग्नीशियम का लॉस जीआईटी से कैसे हो सकता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नल ट्रैक, इससे कैसे हो सकता है? बाया नेजोगैस्ट्रिक सक्शन से हो सकता है। अगर एनजी ट्यूब डाली हुई है, क्या डाली हुई है? एनजी ट्यूब डाली है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली है, वहां से अगर सक्शन किया जाए पेशेंट का, यानी सक्शन करके अगर गैस्ट्रिक फ्लूड निकाला जाए तो क्या हो सकता है? तो वहां से मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। इसलिए जीआईटी बताया है एक्सेसिव लॉस ऑफ जीआईटी से हो जाए, तो अगर सक्शन करके जो गैस्ट्रिक कंटेंट थे वो निकाल दिया तो उसके साथ में मैग्नीशियम भी कम हो जाता है। और अगर पेशेंट को डायरिया हो गया, दस्त हो गई है, तो उसके कारण भी मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया है। फिस्टूला ड्रेनेज किया गया, अगर फिस्टूला बनाया हुआ है और उसका ड्रेनेज किया गया तो उसके कारण भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज सर्टेन मेडिसिन, और ज़्यादा टाइम तक कुछ सर्टेन मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है उसका यूज करने से भी हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। कौन सी मेडिसिन से हो सकता है? तो डायूरेटिक्स, जो डायूरेटिक्स है वो यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, उसके साथ में मैग्नीशियम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डायूरेटिक्स के कारण हो सकता है। एमिनो ग्लाइकोसाइड्स के कारण हो सकता है, कुछ एमिनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं मेडिसिन, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है उनके कारण भी हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक लेने के कारण भी हो सकता है। और एंड इलनेस, कुछ बीमारियों के कारण भी होता है, मैग्नीशियम की कमी हो जाती है कुछ बीमारियों में के कारण हो सकता है। तो उसके अंदर है, पहली है परसिस्टेंस एल्कोहलिज्म, अगर ज़्यादा एल्कोहल पीता है, ज़्यादा दारू पीता है, लगातार शराब पीता है ना, लगातार अगर वो शराब पीता है, एल्कोहलिज्म में शराबी है, शराबी है, दारू पीता रहता है, या फिर पेनक्रियाटाइटिस हो गया है, पेनक्रिया में इन्फ्लामेशन हो गया है, टाइटिस उसी वर्ड के पीछे लगता है जहाँ का इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो पेनक्रियाज में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेनक्रियाटाइटिस कहते हैं। और अगर बर्न हो गया है, जल गया है ना, जलना, बर्न का मतलब है जलना, अगर कोई पेशेंट जल गया है, किसी भी वजह से जल सकता है, आग से जल सकता है या कोई एसिड वगैरह से जल सकता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। तो ये कारण है, मेन कारण क्या है, जीआईटी लॉस हो जाए, एक्सेसिव जीआईटी लॉस हो जाए, तो उसके पहला कारण था जीआई सक्शन, सॉरी नेजोगैस्ट्रिक सक्शन किया जाए, एनजी सक्शन किया जाए तो उसकी वजह से डायरिया हो गया, फिस्टुला ड्रेनेज की वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई भी मेडिसिन यूज किया जाए, कौन कौन सी मेडिसिन, डायूरेटिक्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और एंटीबायोटिक के यूज के कारण भी हाइपोमैग्नीशियमिया हो सकता है। और कोई बीमारी, जैसे ज़्यादा दारू पीता है या पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी है या बर्न हो गया है, तो उसकी वजह से भी मैग्नीशियम कम हो सकता है। अब उसके अंदर सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे वो पढ़ेंगे अभी। तो सिम्टम्स के अंदर आते हैं, सिम्टम्स के अंदर आते हैं न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी विथ ट्रिमर्स, उसको क्या होगी, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होगी, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो मसल्स है वहाँ पे इरिटेबिलिटी होगी और ट्रिमर्स आने लग जाएंगे, ट्रिमर्स पेशेंट को कंपन जैसा लगने लगेगा और ट्रिमर्स आएगा, इंक्रीज रिफ्लेक्शन और इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन भी रहेगा उसमें, है ना, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, जो रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे, जो रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे, इसके अंदर रिफ्लेक्सेस है वो बढ़ जाएंगे, तो इंक्रीज रिफ्लेक्सेस और कन्वर्जन आ सकते हैं, कन्वर्जन मतलब दौरे आ सकते हैं, आर कॉमन सिम्टम, ये कुछ सिम्टम्स हैं वो कॉमन सिम्टम है, कन्वर्जन आना और इरिटेबिलिटी विथ ट्यूमर्स और इंक्रीज रिफ्लेक्सेस। कुछ दूसरे साइन है चोवेस्टिक एंड ट्रुसाओ सिम्टम इज अपेरेंस इन द हाइपोमैग्नीशियमिया पेशेंट, और इसके अंदर कौन से सिम्टम देखने को मिलेंगे, पिछली क्लास में भी बताया था चोवेस्टिक्स एंड ट्रुसाओ सिम्टम्स इज अपेयर इन हाइपोमैग्नीशियमिया, और मैग्नीशियम के अंदर और कैल्शियम वाले में अंदर भी देखने को मिलते हैं, अगर किसी पेशेंट के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई तो उसके अंदर भी ये सिम्टम देखने को मिलते हैं, लेकिन मैग्नीशियम की कमी हो गई तो उसके कारण भी देखने को मिलते हैं। तो इसे एक बार आगे मैं बताऊंगा, ये कौन कौन से जो सिम्टम्स है वो कैसे देखे जाते हैं वो आगे बताऊंगा डायग्राम में। द पेशेंट आल्सो हैव टेकीकार्डिया, और पेशेंट को कैसे देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, मैंने टेकीकार्डिया मतलब क्या होता है,
टेकिकार्डिया मतलब क्या होता है? हार्ट रेट का क्या हो जाना, तेज हो जाना, ज्यादा हो जाना, फास्ट हो जाना, कितने से ज्यादा हो जाना, 100 से ज्यादा हो जाना, है ना, उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को एक वर्ड में बोले तो हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और डिसरिदमिया हो सकता है, डिसओरिएंटेशन हो सकता है, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा, पेशेंट डिसओरिएंटेड होने लग जाएगा, और कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में रहेगा पेशेंट, कंफ्यूजन रहेगा, और वर्टिगो आएंगे, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, चक्कर आएंगे, कंफ्यूजन में रहेगा, डिसरिदमिया देखने को मिलेगा, डिसओरिएंटेड देखने को मिलेगा। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो देखने को मिलेंगे आप पेशेंट के अंदर। उसके बाद में है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे इसका? तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करोगे? तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे इसका, तो डिस्पाइट जनरलाइज न्यूरोमस्कुलर, जनरलाइज न्यूरोमस्कुलर एक्सिबिलिटी, द पेशेंट एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी मसल्स डिप्रेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन, दैट्स द रिक्वायर्ड नीड टू आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। इसको क्या करते हैं, जब पेशेंट को क्या रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर एक्सिबिलिटी होती है, तो उसके क्या रहते हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स डिप्रेशन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी मसल्स है जो एक्सपीरियंस, क्या पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, पेशेंट फील करता है कि उसकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो डिप्रेस हो रही है। पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोवेंटिलेशन में चला जाएगा, उसका जो वेंटिलेट है वो कम होने लग जाएगा, तो हाइपोवेंटिलेशन में चला जाएगा, तो पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो पेशेंट को वेंटी की जरूरत पड़ सकती है, मशीन की जरूरत पड़ सकती है, और पेशेंट क्या हो सकता है, हाइपोवेंटिलेशन में जा सकता है। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट है। उसके बाद में है द गोल ऑफ द हाइपोमैग्नीशियमिया ट्रीटमेंट इज आइडेंटिफाई प्राइमरी कॉज टू करेक्ट इम्बेलेंस। और अगर मैग्नीशियम कम है तो डायरेक्ट आप मैग्नीशियम दे सकते हो, है ना, मैग्नीशियम की जो आता है इंजेक्शन वो ड्रिप में डाल के दे सकते हो, तो करेक्ट करना है, इम्बेलेंस हो गया है तो उसे करेक्ट करना है, अगर कम हो गया है तो उसे करेक्ट करना है। तो हाइपोमैग्नीशियमिया को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो अगर इफ सीवियर मैग्नीशियमिया कोज बाई अरिदमियाज एंड सीजर, डायलूटेड आई वी मैग्नीशियम सल्फेट इन 10 mg पर डीएल शुड बी और 3 to 5 मिनट। तो इसके अंदर क्या करना है, अगर सीवियर हाइपोमैग्नीशियमिया है, अगर किसी को ज़्यादा मैग्नीशियम की कमी आ गई है, तो उसमें क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट है 10 mg पर डीएल, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करना है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो 10 mg पर डीएल देना है, 10 mg per ml, 10 mg per ml देना है, 10 mg per ml, डोज शुड बी ओवर 3 to 5 मिनट, किसमें जानी चाहिए, 3 से 5 मिनट के अंदर जानी चाहिए, 10 mg per ml, एक ml में कितनी होती है, 10 mg, तो मैग्नीशियम सल्फेट 10 mg per ml गिवन टू 3 to 5 मिनट, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर उसको दे देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है इफ नेसेसरी सब्सिक्वेंट डोज में बी रिपीटेड। अगर नेसेसरी जरूरत के आधार पे, जरूरत के हिसाब से उसे क्या है, जो आवश्यकता के हिसाब पे खुराक को दोहराया जा सकता है, दोबारा दी जा सकती है, रिपीटेड की जा सकती है, वो डोज है वो क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अगर मैग्नीशियम का लेवल नहीं बढ़ा तो मैग्नीशियम वापस रिपीट भी कर सकते हैं। If intramuscular or oral replacement is used, serum level should be closely monitored. अगर आप intramuscular IM देते हो और orally देते हो, तो उसका क्या करना है, serum level closely monitor करना है, उसे ध्यान रखना है, closely monitor करना है। 6 नंबर है she should be administered magnesium as indicated, और magnesium दे सकते हैं, है ना, जिसे जरूरत है requirement के हिसाब से। तो उसमें क्या है, मैग्नीशियम
बेस्ट एंटासिड, कुछ मैग्नीशियम बेस्ट एंटासिड आते हैं, एंटासिड जो आती है सिरप आती है ना, वो मैग्नीशियम बेस्ट एंटासिड होती है, जिसे उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड वगैरह रहते हैं, तो वो दे सकते हैं, मैग्नीशियम बेस्ट एंटासिड आती है वो दे सकते हैं। आईवी डोज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, और आईवी के थ्रू दे सकते हैं, इंट्रावेनस मैग्नीशियम क्लोराइड दे सकते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, आईवी के थ्रू सीधा डायरेक्ट दे सकते हैं आईवी, ठीक है, डाइल्यूट करके दे सकते हैं। आईएम डोज मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं आईएम डोज मैग्नीशियम सल्फेट, ओरल डोज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, ओरल डोज में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सिरप आती है, सिरप आती है उसके द्वारा दे सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट हो गया, क्या उसे मैग्नीशियम बेस एंटासिड दे सकते हैं और आईवी आईएम के द्वारा भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, और ओरल डोज के अंदर आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आती है ये दे सकते हैं। अब नर्सिंग मैनेजमेंट क्या ध्यान में रखोगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में है सी शुड एग्जामाइन द पेशेंट एयरवे एंड स्वॉलोइंग, पेशेंट का एयरवे, जो पेशेंट का एयरवे है वो एग्जामाइन करना है और स्वॉलोइंग को एग्जामिनेशन करना है, ये ध्यान में रखना है। सी शुड मेजर द ब्लड लेवल ऑफ मैग्नीशियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, और पेशेंट का क्या करना है, नर्स को क्या ध्यान में रखना है, मैग्नीशियम का लेवल, ब्लड में मैग्नीशियम का लेवल कितना है, कैल्शियम का लेवल कितना है, पोटेशियम का लेवल कितना है, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है हमेशा नर्सिंग मैनेजमेंट में अंदर। सी शुड टेक एन आई ऑन द हार्ट रेट एंड रिदम एंड चेंज इन ईसीजी, और क्या करना है, हार्ट रेट पे ध्यान रखना है ना, पेशेंट की हार्ट रेट कितनी है उसका ध्यान रखना है, पेशेंट की हार्ट रेट का ध्यान रखना है, रिदम का ध्यान रखना है, रिदम चेंज तो नहीं हो रही है, जो ईसीजी की रिदम है, ईसीजी की जो रिदम है वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है उसका ध्यान रखना है। ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, है ना, लास्ट में बताऊंगा ईसीजी में क्या चेंजेस आते हैं, तो ईसीजी का मॉनिटर करना है। ईसीजी के अंदर मोस्टली हार्ट रेट और हार्ट की रिदम, रिदम कैसी है, इररिदम, इरेगुलर रिदम तो नहीं है, इररेगुलर रिदम तो नहीं है, वो देखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है सी शुड एग्जामाइन द कॉन्शियसनेस, पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है उसका चेतना का जो स्तर है वो चेक करना है, सेमी कॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, बेहोश तो नहीं हो रहा है, तो कॉन्शियसनेस चेक करना है। न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ चेक करनी है, टोन चेक करना है उसका, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, टोन चेक करना है, उसके मूवमेंट चेक करने है, मूवमेंट वगैरह सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह सही है कि नहीं है, जो फेस के रिफ्लेक्सेस है वो सही है कि नहीं है, सारे रिफ्लेक्सेस, तो उसके अंदर दो चीज, जो दो चीजें होती है ट्रोसाउ और चोविस्टिक्स, ये मैंने बता चुका हूँ पिछली क्लास में, लेकिन अभी वापस बता देते हैं एक बार, ट्रोसाउ और चोविस्टिक, तो ये हाइपोकैल्शियमिया में मेनली क्या किसमें देखने को मिलता है, हाइपोकैल्शियमिया में देखने को मिलता है मेनली, ये हाइपोकैल्शियमिया में देखने को निकला है, लेकिन अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो ये कुछ ये सिम्टम भी देखने को मिल सकता है, मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया तो उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। ट्रसाउ साइन, ये जो ट्रसाउ साइन होता है उसके अंदर क्या होता है, इंडक्शन ऑन कार्पोपेडियल स्पाज्म, इसके अंदर कार्पोपेडियल जो कार्पस है वहां पे स्पाज्म होता है, बाय इन्फ्लेटिंग और स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये यहाँ पे हाथ पे बांध के अगर उसको इन्फ्लाम करते हैं तो उसके अंदर क्या कार्पोपेडियल के अंदर स्पाज्म आएंगे, उसके हाथ कैसे ऐसे होने लग जाएंगे, तो वो स्पाज्म के कारण ये जो स्पाज्म आता है, ये देखो ये अंगुलियां वगैरह ऐसे मुड़ने लग जाती है, हाथ ऐसे होने लग जाता है, इधर अंदर की तरफ होने मुड़ने लग जाता है, देखो यहाँ पे बताया हुआ ये अंगूठा वगैरह ये अंगुलियां ऐसे उधर की तरफ मुड़ने लग जाएगी, जैसे ही
बीपी स्टूमेंट यानी स्टोमेनोमीटर से प्रेशर डालेंगे अबाउट द 3 मिनट तक रखेंगे। अगर उसको प्रेशर डाल के 3 मिनट तक रखेंगे तो ये सिम्टम देखने को मिलेगा। कम से कम कितने मिनट रखना है? 3 मिनट तक रखना है। 3 मिनट तक रखना है तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अंदर रेस्पॉन्स कैसा होगा? कार्पोपेडियल स्पाज्म, जो कार्पस है वह कार्पोपेडियल में स्पाज्म देखने को मिलेगा। और एडिक्शन ऑफ द थंब्स, थंब होगा वो एडिक्शन होगा। और फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफेजियल ज्वाइंट, जो मेटाकार्पल के ज्वाइंट्स है उनका क्या होगा? फ्लेक्शन होगा, अंदर की तरफ फ्लेक्शन होगा, ठीक है। और एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, जो इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है वहां पे एक्सटेंशन होगा। और फ्लेक्शन ऑफ द व्रिस्ट, और जो व्रिस्ट है वो भी, उसका भी फ्लेक्शन होगा। तो ये ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं ट्रसाऊ साइन के, ट्रसाऊ जो साइन है उसके अंदर क्या करते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट बांधते हैं तो उसके अंदर जो मस्कार्प जो रहता है कार्पोपेडियल स्पाज्म होता है, कार्पोपेडियल स्पाज्म होता है जिसके अंदर क्या रहेंगे, व्रिस्ट फ्लेक्शन होगी अंदर की तरफ, और जो मेटाकार्पल रहती है उसका भी अंदर की तरफ फ्लेक्शन हो जाएगा। सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफेरेंजियल जो ज्वाइंट है उनका एक्सटेंशन होगा और एबडक्शन होगा, थंब का जो है एबडक्शन होगा, थंब का जो है एबडक्शन होगा। उसके बाद में चोवेस्टिक साइन, अभी यही मैं बता रहा था, एक तो होता है ट्रसाऊ साइन, एक होता है चोवेस्टिक साइन। तो ट्रसाऊ चोवेस्टिक साइन के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एपिसलेटरल फेशियल मसल, जो फेशियल मसल्स होती है उसका कॉन्ट्रेक्शन होने लग जाता है, जिसमें देखो इसके अंदर बताया हुआ है, जैसे ही ये अंगुली इस तरह से फेरते हैं तो उसके अंदर फेस के अंदर ऐसे, फेस के अंदर ऐसे साइड के अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, जो फेशियल मसल है वहां पे कॉन्ट्रेक्शन होगा। लेफ्ट बाय टैपिंग द फेशियल नर्व जस्ट इंटीरियर ऑफ द ईयर, और उसको ऐसे टैपिंग करेंगे इंटीरियर ऑफ द ईयर की तरफ ऐसे घुमाएंगे तो उसके अंदर फेशियल कैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो उसके अंदर ट्विस्टिंग ऑफ द लिप ऑफ द स्पाज्म, ये और फेस मसल का और लिप्स का ऐसे ट्विस्ट होंगे तो वो क्या कहलाता है, चोवेस्टिक साइन कहलाता है, ये वाला चोवेस्टिक साइन कहलाता है, ये ट्रसाऊ साइन कहलाता है। तो ये कुछ हाइपोकैलेमिया में मेनली देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैग्नीशियम भी कम हो गया तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। हाइपोकैलेमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया दोनों के अंदर ये सिम्टम्स साइन जो है देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, सी शुड इंक्रीज द रेंज मोशन एक्सरसाइज, और उसे इंक्रीज करना चाहिए रेंज मोशन एक्सरसाइज के लिए, पेशेंट को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए रेंज मोशन एक्सरसाइज के लिए, पेशेंट को इंक्रीज करना चाहिए। पेशेंट को रेंज मोशन एक्सरसाइज के लिए इंक्रीज करना चाहिए। शी शुड ट्रेन द पेशेंट यूज डायुरेटिक्स, और पेशेंट को डायुरेटिक्स और लेजेटिव जो है, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए दी जाती है लेजेटिव्स, उनके बारे में बताना चाहिए। शी शुड बी ट्रेन करना चाहिए उनको प्रॉपरली। शी शुड बी रिकमेंडेड द पेशेंट इज इनजेस्ट मैग्नीशियम रिच फूड्स, और उनको पेशेंट को बताना है, रिकमेंडेड करना है कि मैग्नीशियम जिसमें ज़्यादा हो वैसी डाइट लेनी है, क्योंकि अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो मैग्नीशियम वाली डाइट लेंगे, जिस फूड में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है तो वो वाली डाइट लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट ठीक हो सकता है। तो मैग्नीशियम रिच डाइट लेंगे जिसके अंदर मैग्नीशियम ज़्यादा हो, ऐसी डाइट लेंगे, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सी आती है, वॉल ग्रेनेस फिश मीट फिश ग्रीन वेजिटेबल, ये आते हैं, यानी हरे पत्तेदार सब्जियां, अनाज मांस मछली, ये आते हैं ना, मांस मछली हरे पत्तेदार सब्जियां, मीट मांस होता है, फिश मछली ग्रीन वेजिटेबल हरे पत्तेदार सब्जियां, वॉल अनाज वगैरह ग्रेन्स, तो इनके अंदर क्या रहता है, मैग्नीशियम ज़्यादा रहता है। तो अगर आप मैग्नीशियम पेशेंट को ये डाइट एडवाइस करोगे तो मैग्नीशियम का लेवल बढ़ सकता है। तो इसके अंदर क्या था, मैग्नीशियम कम था इसलिए अपन मैग्नीशियम रिच डाइट दे रहे हैं उसे। अब है नेक्स्ट कौन सा है, हाइपर मैग्नीशियमिया। अगर मैग्नीशियम का लेवल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए नॉर्मल से, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपर मैग्नीशियमिया कहते हैं। कितना से ज़्यादा हो जाए, 2.3 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर मैग्नीशियमिया कहते हैं।
तो उसे हाइपरमैग्नीसीमिया कहते हैं। हाइपरमैग्नीसीमिया द कंडीशन इज सॉरी हाइपरमैग्नीसीमिया इज ए कंडीशन ऑफ एक्सेसिव मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर कितना हो जाए 2.3 2.5 से भी ज़्यादा हो जाए, है ना, इसमें बताया हुआ है 2.3 लगभग 2.3 से ज़्यादा हो जाए, 2.3 से ज़्यादा हो जाए, 2.3 से अगर ज़्यादा हो जाए इन द किसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ये सीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर। मैग्नीशियम इज द कंडीशन एक्सेसिव मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन, अगर ज्यादा हो जाए नॉर्मल से तो उसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण हो सकता है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर मैग्नीशिमिया इज अंडरलाइन क्रोनिक रीनल डिजीज। ये क्या कर सकता है, इसका कारण क्या है मेन, अगर मैग्नीशियम का लेवल ज्यादा है तो उसका मेन कारण है हाइपर मैग्नीशियमिया का रीनल, क्रोनिक रीनल डिजीज, किडनी की क्रोनिक डिजीज हो जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है हाइपर मैग्नीशिमिया हो सकता है, किडनी की कोई डिजीज हो। मैग्नीशियम रिटेंशन कैन बी अकर एबनॉर्मली वाया द केस लाइक द रीनल फेलियर, रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई तो उसके कारण एडिनल इनसफिशियंसी हो गई तो उसके कारण हो सकता है मैग्नीशियम साल्ट ट्रीटमेंट लिया, अगर मैग्नीशियम ज़्यादा ले लिया है ना, मैग्नीशियम ज़्यादा खा लिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो किडनी फेल के कारण, एडिनल इनसफिशियंसी के कारण और मैग्नीशियम साल्ट ट्रीटमेंट के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है मैग्नीशियम ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद में है सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिले, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, पेरिफ्रल वेसोडाइलेशन, पेरिफ्रल वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा, पेरिफ्रल वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा इसके अंदर, पेरिफ्रल वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा। फ्लशिंग होगा, पेशेंट को क्या है फ्लशिंग फील होगा, नोजिया, वोमिटिंग, मसल्स वीकनेस, फ्लशिंग फ्लशिंग देखने को मिलेगी, नोजिया वोमिटिंग मतलब मितली आना, उल्टी होना, मसल्स वीकनेस कमजोरी आना, पैरालिसिस होना, हाइपोटेंशन हो जाना, बीपी का कम हो जाना, बीपी कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम हो जाना, 60 से कम हो जाना, बीपी 110 से कम हो जाना। उसके बाद में रिड्यूस डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो रिड्यूस होने लग जाएंगे, लेथार्जी थकान वगैरह देखने को मिलेगा, ड्राउजीनेस आलसी हो जाएगा, इट कैन बी अकर इन पेशेंट। ये कुछ सिम्टम्स है जो हाइपर मैग्नीशिमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इन केस ऑफ सीवियर हाइपर मैग्नीशिमिया, अगर सीवियर हाइपर मैग्नीशिमिया हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मैग्नीशियम, तो द पेशेंट एक्सपीरियंस द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है अगर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है अगर सीवियर रूप से अगर मैग्नीशियम का लेवल बढ़ गया है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद में एन एवी ब्लॉक, एवी ब्लॉक कौन सा होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक में भी अकर इफ द लेफ्ट डाटा रिन्यूअल एंड ईसीजी विद द प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, और ईसीजी के अंदर जो है क्यूटी का जो इंटरवल था, जो क्यूटी का इंटरवल था वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्यूटी इंटरवल होता ना जैसे ये पी क्यू आर एस और ये टी, तो पी क्यू आर एस टी, तो ये जो क्यू टी इंटरवल होता है, ये क्यू टी जो इंटरवल होता है ये ज़्यादा देखने को मिलता है इसके अंदर, इसी जी के अंदर। उसके बाद में है मैग्नीशियम मेडिकल ट्रीटमेंट, में हाइपर मैग्नीशियमिया का मेडिकल ट्रीटमेंट क्या था, द गोल ऑफ मैग्नीशियमिया ट्रीटमेंट इज करेक्ट द इम्बेलेंस बेड साइड आइडेंटिफाई द करेक्ट अंडरलाइन केस, इसके अंदर जो इम्बेलेंस हो गए हैं मैग्नीशियम का उसको करेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में बिकॉज द कैल्शियम इज द मैग्नीशियम एंटागोनिस्ट ऑफन द रिवर्स द कार्डिक साइन, तो हाइपर मैग्नीशियमिया और कैल्शियम ग्लूकोनेट अदर कैल्शियम साल्ट में भी यूज, इसके अंदर क्या करते हैं कैल्शियम जो है मैग्नीशियम के एंटागोनिस्ट रहता है, यानी उल्टा रहता है, विपरीत रहता है,
कैल्शियम क्या रहता है? मैग्नीशियम के एंटागोनिस्ट रहता है। कैल्शियम मैग्नीशियम का विरोधी रहता है, विपरीत रहता है, ठीक है। तो ऑफन रिवर्स द कार्डियक साइन, और उसके अंदर रिवर्स कार्डियक साइन हाइपरमैग्नीशियमिया। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट और अदर कैल्शियम साल्ट में भी यूज। इसके अंदर क्या करोगे, अगर आप कैल्शियम की देंगे, कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर बढ़ाएंगे तो मैग्नीशियम कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, विरोधी रहते हैं, तो उसके कारण ये क्या होंगे, कैल्शियम साइड दे सकते हैं ना, कैल्शियम दे सकते हैं उसको, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं और कैल्शियम साल्ट ये कुछ दे सकते हैं, जिसके कारण कम हो जाएगा। उसके बाद में यूज द नॉर्मल रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन इन केस ऑफ नॉर्मल रीनल फंक्शन आईवी डिहाइड्रेशन एड्स रीनल एलिमिनेशन एक्सेसिव मैग्नीशियम। इसके अंदर क्या करना चाहिए, रीनल फंक्शन नॉर्मल है कि नहीं है वो चेक करना चाहिए, और पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, आईवी फ्लूड वगैरह देना चाहिए, ऐड करना चाहिए, और एलिमिनेशन ऑफ एक्सेसिव मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम को रीनल के थ्रू बाहर निकालना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब बाहर निकालना, रीनल के थ्रू है ना, एक्सेसिव जो मैग्नीशियम बॉडी के अंदर हो गया उसे बाहर निकालने के लिए यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा मैग्नीशियम। इन केस ऑफ रीनल फेलियर डायलिसिस में भी नेसेसरी। अगर किसी पेशेंट को रीनल फेलियर हो गया, किडनी फेल हो गई है, तो यूरिन पास होगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का करना पड़ेगा डायलिसिस। डायलिसिस के थ्रू यूरिन को निकाला जाएगा, तो उससे मैग्नीशियम का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इन केस ऑफ रीनल फेलियर डायलिसिस में भी नेसेसरी, डायलिसिस में भी नेसेसरी। उसके बाद में व्हेन पेशेंट आर इन डेंजर, व्हेन पेशेंट इन आर डेंजर, when patient are in danger, their vital sign and state conscious level should be monitored. अगर patient danger में हो, खतरे में हो, तो vital sign check करनी चाहिए, TPR BP check करना चाहिए patient का, very important TPR BP, है ना। उसके बाद में जिसका conscious level check करना चाहिए, semi conscious है, unconscious होने लग गया है, तो उसका चेतना का स्तर check करना चाहिए। She should be administered medication as indicated, और जो डॉक्टर ने एडवाइज किए वो मेडिसिन देनी चाहिए। तो डायुरेटिक्स देनी चाहिए, थायजाइड डायुरेटिक्स और आईवी फ्लूड। डायुरेटिक क्या करेगी, यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, फ्रूसामाइड वगैरह जो होती है, लेसिक्स वगैरह होती है, लेसिक्स और डाइटोर मेनिटोल ये सब होते हैं, ये यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे क्या होगा, मैग्नीशियम यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। आईवी फ्लूड देना चाहिए, 10% कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैंने बताया था ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर कैल्शियम को बढ़ाओगे तो मैग्नीशियम कम हो जाएगा, तो इसलिए अगर मैग्नीशियम बढ़ा है तो थोड़ा कैल्शियम देना चाहिए, जिससे मैग्नीशियम कम हो जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में ऑब्जर्व करना है ब्रीदिंग रेट और डेप्थ को, पेशेंट की ब्रीदिंग रेट मतलब रेस्पिरेशन रेट कैसी है और उसकी डेप्थ कैसी है, वो मेजर करते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकता है, इसलिए रेस्पिरेटरी पैटर्न वगैरह चेक करते रहना। सी शुड बी इंक्रेज डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कफिंग एक्सरसाइज करने के लिए एडवाइज करना है। पेशेंट को डीप ब्रीदिंग लंबी लंबी गहरी सांसें लेने के लिए और कफिंग खांसी करने के लिए और ये एक्सरसाइज करने के लिए क्या करना है, इंक्रेज करना है, बढ़ावा देना है। सी शुड बी ऑब्जर्व ब्लड प्रेशर, और उस पेशेंट नर्स को क्या करना है, ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, पेशेंट का हार्ट रेट चेक करने, रिदम चेक करनी चाहिए, मतलब वाइटल साइंस चेक करने, सीधी सीधी बात है, वाइटल साइंस को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करते रहना है, इसके अंदर सभी आ जाते हैं। सी शुड बी ऑब्जर्व द यूरिन आउटपुट, हमेशा यूरिन आउटपुट चेक करना है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेगा, तो यूरिन आउटपुट हमेशा मेजर करते रहना है, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहना है। फ्लूड बैलेंस फॉर 24 आवर्स पीरियड, और फ्लूड का जो बैलेंस है 24 आवर्स में कितना दिया, कितना निकला, वो उसका मेजरमेंट करना है, 24 घंटे के अंदर कितना फ्लूड निकला और कितना दिया है, वो उसका मेजरमेंट ऑब्जर्व करते रखना है। सी शुड बी एग्जामाइन रिफ्लेक्सेस, और बॉडी के जो रिफ्लेक्सेस है उसका एग्जामिनेशन करना है, रिफ्लेक्स कैसे हैं, बॉडी के रिफ्लेक्सेस सही है कि नहीं है, मसल्स के मूवमेंट सही है कि, मसल का मूवमेंट जो हो रहे हैं वो सही है कि नहीं, टोन कैसा है वो चेक करना है, स्ट्रेंथ कैसी है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, न्यूरोमस्कुलर स्टेट कैसा है, ये चेक करना है। छठा पॉइंट है, सी शुड बी एग्जामाइन
पेटलर रिफ्लेक्सेस ऑन द रेगुलर बेसिस और उसके रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक करने हैं। उसके बाद में सातवां पॉइंट है सी शुड बी इंक्रीज बेड रेस्ट और पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए इंक्रीज करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए इंक्रीज करना है। असिस द पेशेंट पर्सनल एक्टिविटी और पर्सनल एक्टिविटी को असिस करना है पेशेंट की। सी शुड बी प्रमोट मोर फ्लूड इंटेक और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड इंटेक देना है। उसके बाद में सी शुड बी एडवाइज पेशेंट द रीनल डिजीज टू अवॉइड टेकिंग मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड और कभी भी पेशेंट को मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड नहीं देना है क्योंकि पहले से मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है और अगर आप मैग्नीशियम दोगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी एंटासिड का यूज़ नहीं करना जो मैग्नीशियम को बढ़ा दे। सी शुड बी एडवाइज टू पेशेंट रीनल डिजीज टू अवॉइड टेकिंग ओसीटी मेडिसिन विदाउट एनी कंसल्टिंग डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर कंसल्ट के द्वारा ओसीटी मेडिसिन नहीं लेनी है। ओसीटी मेडिसिन विदाउट किसी डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा नहीं लेनी है, ठीक है। उसके बाद सी शुड बी मॉनिटर रिजल्ट एज ए डायरेक्ट और क्या करना है उसे निर्देश अनुसार प्रयोगशाला परिणाम की निगरानी रखनी है, मतलब जो लेबोरेटरी जो लैब्स है उसकी लेबोरेटरी जो रिजल्ट है उसका ध्यान में रखना है। लेबोरेटरी रिजल्ट में क्या ध्यान में रखोगे, मैग्नीशियम बढ़ा है कम हुआ है कितना हुआ है उसका ध्यान रखेंगे। अब है ईसीजी, ईसीजी बता देता हूँ। ईसीजी वैसे पीएस क्लास में भी थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ लेकिन एक साथ में इसी में बता देते हैं, सारी ईसीजी आ जाएगी इसके अंदर। तो इसके अंदर है हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया। तो इसके अंदर हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपरमैग्नीशियमिया में क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले नॉर्मल ईसीजी में तो क्या होता है, ये ऐसे पीक्यूआरएस बनती है और ऐसे बनता है और यहाँ टी वेव बनती है और ये नॉर्मल ईसीजी है। लेकिन हाइपोमैग्नीशियमिया में क्या देखने को मिलता है, हाइपोमैग्नीशियमिया में प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवेल, जो पीआर इंटरवेल था पीआर इंटरवेल है पी और आर इंटरवेल पी क्यू आर एस टी ऐसे लिख लो, तो पीआर इंटरवेल है सबसे पहला पीआर इंटरवेल, ये जो है पीआर इंटरवेल इसमें क्या हो जाएगा ये बड़ा देखने को मिलेगा। क्यूटी इंटरवेल है तो पीआर इंटरवेल है जो हाइपर मैग्नीशियमिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉरी इसमें लिखा हुआ है जो इसमें पीआर इंटरवेल है ये पी और ये है Q और R। तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर देखोगे तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर P यहाँ बनता है उसके बाद में ये इतना सा ही डिफरेंस रहता है ये, लेकिन यहाँ देखो P R इंटरवल ज़्यादा हो गया है तो ये हाइपर मैग्नीशियम में देखने को मिलता है। हाइपर मैग्नीशियम के अंदर P और R इंटरवल ये बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, प्रलॉन्ग देखने को मिलता है। लेंथ एंड जो है क्यू टी इंटरवल होता है इनमें भी ये भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। क्यू टी इंटरवेल जो ये देखो टी देखो कैसा ऐसा बड़ा हो गया है ना, क्यू टी ये क्यू और टी इंटरवेल ये भी बड़ा देखने को मिलता है। क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है ये 12 सेकंड का हो जाता है, ये जो बीच का जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है क्यू आर एस ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कितना देखने को मिलेगा 0.12 सेकंड का देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो है हाइपोमैग्नीशियमिया के अंदर क्या होता है जो क्यूटी इंटरवेल तो उसमें लेंथ देखने को मिलेगी लेकिन फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगा, जो टी तो बन रहा था ये ऊपर ये कैसा देखने को मिलेगा ये एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा, ऐसे फ्लैट हो गया देखो यहाँ पे फ्लैट दिख रहा है ये ऐसे फ्लैट हो गया, फ्लैट इंटरवेल देखने को मिलेगा। तो टी हाइपोमैग्नीशियम में डिप्रेस एस टी सेगमेंट और जो एस टी सेगमेंट है जो एस टी सेगमेंट है वो डिप्रेस देखने को मिल सकते हैं, नीचे की तरफ थोड़े डिप्रेस देखने को मिल सकते हैं। टॉल टी वेव देखने को मिलेगा, सॉरी इसके अंदर क्या होगा ब्रॉड फ्लैटेंड टी वेव, इसमें हाइपोमैग्नीशियम में टॉल टी वेव देखने को मिलेगा, थोड़ा सा टॉल टी वेव देखने को मिलेगा। इसके बाद में हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है हाइपरकैल्सीमिया इसकी ईसीजी वैसे बता चुका हूं मैं लेकिन एक बार और देख लो। हाइपरकैल्सीमिया तो हाइपरकैलीमिया के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा टॉल पीक टी वेव, जो ये टी वेव है
ये जो टी वेव है ये टॉल और पीक देखने को मिलेगी, ये इससे PQRS वाले से भी बड़ी देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये टी वेव जो होती है वो बड़ी देखने को, टी और पीक एंड टी वेव जो होती है वो बहुत बड़ी दिखाई देती है। और वाइड एंड QRS कॉम्प्लेक्स, जो ये QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा था ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, ये QRS कॉम्प्लेक्स है ये वाइड हो जाता है, ये किसमें हाइपरकैलेमिया में देखने को मिलता है। उसके बाद में प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, जो ये PR इंटरवल होता है ये PR इंटरवल ये इसके अंदर भी हाइपरकैलेमिया के अंदर भी बढ़ता है, PR का जो इंटरवल है ये बड़ा हो जाता है हाइपरकैलेमिया के अंदर भी, हाइपरकैलेमिया के अंदर भी ये PR का जो इंटरवल है ये बड़ा हो जाता है। उसके बाद में फ्लैट पी वेव, जो ये पी वेव बनती है यहाँ वाली ये कैसी दिखाई देगी, ये एकदम ऐसे फ्लैट बन जाएगी, ऐसे ऊपर उठेगी नहीं, एकदम फ्लैट की तरह ऐसे सीधी बनेगी, तो ऐसे हाइपरकैलेमिया का पता लगा सकते हो। और हाइपोकैलेमिया में क्या हो सकता है, इन्वर्टेड टी वेव, जो ये टी वेव टॉल टी वेव थी वो इन्वर्टेड नीचे की तरफ हो जाएगी, तो हाइपर में तो क्या होता है ऊपर की तरफ रहती है टी वेव, और हाइपो में नीचे की इन्वर्टेड रहती है टी वेव, तो ये कुछ देखने को मिलेंगे, डिप्रेस टी वेव देखने को मिलेगी, ऐसे पता लग जा लोगे। उसके बाद में हाइपोकैल्सिमा में मैंने बताया था प्रोलॉन्ग ST और QT इंटरवल, जो ST इंटरवल है, जो ST इंटरवल है ये, जो ST इंटरवल है ये और QT इंटरवल है, ये QT इंटरवल दोनों क्या करेंगे, दोनों ज़्यादा देखने को मिलेंगे हाइपोकैल्सिमा के अंदर, ST और QT इंटरवल। और हाइपरकैल्सिमा में क्या देखा, शॉर्ट ST वेव और वाइड टी वेव, जो टी वेव बन रही थी ये, जो टी वेव बन रही थी ये ऐसे वाइड हो जाएगी, यानी बड़ी हो जाएगी, एकदम बड़ी देखने को मिलेगी। और शॉर्ट ST सेगमेंट, जो ST सेगमेंट जो हाइपर में ज़्यादा बड़े निकल रहे थे वो छोटे हो जाएंगे, तो उसका मतलब हो गया हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।